मैं फिर से एक बार यूपी पे आना चाहूंगा जी। और सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे क्या होंगे इस बार यूपी के चुनाव में योगी सरकार का, का काम या फिर लव जिहाद और धर्मांतरण अरे ये तो योगी से पूछिए आप ये तो इनको बताना पड़ेगा ठोक दो नाम तब्दील कर दो आ, आ, हम ये तो इनकी पॉलिसी रही ना ये तो कभी साढ़े चार साल में कोई कंस्ट्रक्टिव काम उन्होंने किया तो बता दीजिए हर चीज को आप कम्युनलिज्म से लाके जोड़ देते हैं हर चीज से आप पॉपुलेशन का लॉ कमीशन से रिकमेंड करवा दिए आप नाम को चेंज करा रहे हैं हमारा बोलना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ उत्तर प्रदेश की तारीख में 300 सौ आपके एम एल जीत कर आए आप तो बहुत कुछ कर सकते थे यहां पर मगर हर एतबार से आप देखिए भारत में 9 लाख अगर मैन नरिश चिल्ड्रन चिल्ड्रन है तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है पचास साहब लेकिन आप जो बात कर रहे हैं जब आप मंच पर होते हैं भाषण पे तो आपके बयान दूसरे होते हैं तब आपके बयान ये बात होते हैं कि अगर कोई आईएस अफसर पकड़ा गया तो आप उसको कहते सर, हैं कि सर मेरी मेरी मेरी, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग अपनी टीआरपी के लिए जूसी मटेरियल को निकाल कर चलाते हैं आप इसको नि, बोलते ही नहीं मैं सब बोलता हूं ये आप देखिए मेरी स्पीच में सब चीजें हैं उसमें आप समझते हैं कि लोग सिर्फ इसी मेरी बातों से लोग लो हमारी बात सुनके, उसके नहीं ये 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 सब बातें हम रखते हैं, ये को रखते हैं ये तमाम को हम रखते हैं फैक्ट्स को तमाम चीजों बोलूंगा बिल्कुल बोलूंगा और बोलता है और बोलता रहा नहीं लेकिन इसी से जुड़ा एक ये सवाल है कि आप खुद एक पढ़े लिखे बैरिस्टर है संसद में आप इतने सारे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम के उदारवादी चेहरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं ओवैसी वैसी साहब और कट्टरवाद के साथ नजर आते हैं धर्मांतरण का जिक्र हो या फिर तालिबान का समर्थन करने वाले कुछ लोगों की सोच हो ये जो कट्टरवादी सोच है इसको बढ़ावा देना इस कट्टरवाद को बढ़ावा देना क्या आपकी सियासत को सूट करता है क्या मेरा मेरी जो शेरवानी है ये कोई मजहब की निशानी है अब बताइए इसको तो पंडित नेहरू ही पहने हर प्रेसिडेंट पहनता है मेरे कपड़ों से क्या आपको नज़र आ रहा है अच्छा दू, दूसरी बात और आ, 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 आपका सवाल क्या था कि ये कट्टरवाद तालिबान का मैं क्या सपोर्ट किया ये तो भारत के एम्बेसडर ने अब ख़तर में तालिबान को बुलाकर कबाब खिलाया बिरयानी खिलाया मैं तो नहीं खिलाया आप सरकार कर रहे हैं मैं आज भी कह रहा हूं कि मोदी सरकार बताएं तालिबान के बारे में क्या पोजीशन है क्या वो टेररिस्ट है तो यूएपीए में डालिए चलिए डालिए यूएपीए में नहीं डालते आप आपके पास है ही नहीं अच्छा मैं कौन से कट्टरपंथ की बात कर रहा हूं मैं तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्लाम को गालिब कर दूंगा हिंदुस्तान में मैं ये कह रहा हूं कि भारत में जो संविधान में हर एक को जो हकूक दिए गए उस हकूक को मिलना चाहिए मैं तो उसकी बात कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि इस इस देश का कोई मजहब नहीं है ये देश सब मजहब को मानता है मैं कहा कट्टरपंथी की बात कर रहा हूं तो फिर अगर धर्मांतरण के केसेस तमाम खुल रहे हैं कई ऐसे अच्छा, एक, एक, अच्छा, जो द, हैं हैं उनके खिलाफ केसेस चल चल रहे तो जांच हो जाने जाने दीजिए पता सुनिए एक आई ऑफिसर छह साल पुराना वीडियो खुद सरकार निकाल कर देती है कौन सा धर्मांतरण हुआ बताइए कौन सा धर्मांतरण हुआ है अगर कुरान की एक आयत को पढ़ के सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई चलो क्या प्रोपोकेशन अलाउड नहीं है प्रोपोगेशन अलाउड है मगर अगर दौलत से डर सी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है मगर आप खुद अपने आई एस अफसर निकाल रहे हैं। अच्छा जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिसको जिस जैसा जिस, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण हुआ है, वो कंप्लेनेंट है ही नहीं उसमें मैं आपसे कह रहा हूं वो पढ़िए केस वो जो एफ है जो भी है रिमांड रिपोर्ट है उसमें जिक्र ही नहीं है आप खाली डाल रहे हैं डाल रहे हैं जेल में और फिर एक दो तीन साल के बाद वो लोग बरी हो जाते मीडिया में आता ही नहीं है जिक्र उसका हम क्या कट्टरपंथी की बात करें कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो खबरस्तान और शमशान की बात करते हैं कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो अब्बाजान कहते हैं कट्टरपंथी की बात तो वो कर रहे हैं हम कहा कर रहे हैं हम तो बोल रहे हैं कि संविधान में जो हमको हक दिया गया वो दो आप हमको आप बीजेपी करती है आर करती है ये सब कर रहे हैं अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत पर